मुजफ्फरनगर के नई मंडी के मोहल्ला तुलसीनगर और रामपुरी में कुट्टू का आटा खाने से पूरा परिवार बीमार हो गया। रात 12 बजे 3 साल की बच्ची समेत सभी को उल्टियां होने लगी और शरीर में भारी कंपन हो गई। स्थानीय लोगों ने बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने एक युवक की हालत को गंभीर बताया। एक व्यक्ति को गंभीर देखते हुए इवान अस्पताल रेफर कर दिया गया। मोहल्ला तुलसीनगर निवासी जितेंद्र की बड़ी बेटी साक्षी मोहल्ला गांधीनगर में स्थित एक परचून की दुकान से कुट्टू का आटा खरीद कर ले आई थी। पूरे परिवार ने रात्रि में मां दुर्गा की पूजा के बाद कुट्टू आटे का सेवन किया। इसके बाद रात्रि करीब 12 बजे रविंद्र कुमार, उनकी पत्नी बेबी और उनकी 3 साल की लड़की अनाया उर्फ लड्डू की तबीयत बिगड़ गई। सभी को लगातार कई उल्टियां हुई, सभी की हालत पूरी तरह से बिगड़ गई। परिवार के अन्य लोगों और स्थानीय लोगों ने बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने रविंद्र कुमार की हालत को गंभीर देखते हुए इवान अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं रामपुरी निवासी दो सगी बहनों की भी कुट्टू खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। बीमार पड़ी दोनों बहनें सपना और वर्षा ने बताया कि उन्होंने आनंदपुरी गली में स्थित एक दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र तिरखा ने शहरवासियों से अपील की है कि वो कुट्टू का फ्रेश आटा खाए, रखा हुआ आटा खाने से हालत बिगड़ सकती है। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। दादा कहाँ रहने वाले हैं? रामपुरी। अच्छा, आपकी दोनों बेटियाँ बीमार हो गई, क्या करना? ये बस रखा था इन्होंने, फिर रात में इन्होंने कुट्टू का आटे की रोटी बना खाई तो सुबह इनको चक्कर आ गई दोनों को। किस तरह का आटा था वो? तो किससे वो आटा लिया आपने? आनंदपुरी में लिया था। तो उसके दुकानदार साहब ने बात किस बारे में? भाई हम तो सुबह आ गए भैया यहाँ से, हमें तो कोई पता नहीं। क्या कंडीशन है आपकी बेटियों की? अब तो ठीक है, उसके क्या उसके दुकानदार के खिलाफ करवा चाहते हैं? नहीं तो ये ज्यादातर कुट्टू का आटा खाने से सब बीमार हो रहे हैं, क्या करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो होना चाहिए भाई, बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब कि यार जब बीमार हो रहे तो क्या फायदा चीज का खाने का? देखना सामने डॉक्टर साहब, कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोग बीमार हुए हैं, कितने लोग हैं, किस तरह के इनके हालत है? कुट्टू का आटा जैसे आजकल नवरात्रि चल रही है या पीछे शिवरात्रि थी, तो ये इन दिनों में शुभ माना जाता है। ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है, लेकिन इसको देखने में ये आता है, जब ये कुट्टू का आटा पुराना रखा हुआ लोग खा लेते हैं तो उसमें विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पेट में दर्द, उल्टी आना, घी घबराना, शरीर अकड़ना, ये सब समस्या हो जाती है। तो अभी तक 8-9 मरीज अलग अलग जगहों से मुजफ्फरनगर के हम लोगों के पास आ चुके हैं, जो पेट में दर्द और उल्टी सब लेके आए थे, लेकिन कोई गंभीर अवस्था में नहीं होता है। सिम्टोमेटिक हम लोग इलाज करते हैं और वो ठीक होकर चले जाते हैं। अभी भी सुबह 3 मरीज शिवपुरी से आए हैं, एक ही परिवार के, जिन्होंने कुट्टू का आटा रात खाया था, और अभी सभी लोग बता रहे हैं कि उनके पेट में दर्द है, जी घबरा रहा है, उल्टी सी आ रही है। अब क्या करनी चाहिए? मरीज तीनों स्टेबल है, सिम्टोमेटिक इलाज है, शाम तक वो ठीक होकर चले भी जाएंगे। भाई इसमें हमें यही कहना है कि लोगों को जागरूकता इस पर पैदा करनी पड़ेगी कि जहाँ से हम कुट्टू लेते हैं तो उससे ईमानदारी से ये कहें भाई ये जो फ्रेश कुट्टू जो पिसवाया है उसी का आटा दें, पिछले बार का रखा हुआ आटा या जो पुराना आटा जो दुकानदार बेच देते हैं वो उसमें विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीजों की तबीयत खराब होती है। तो ऐसा कुट्टू ना खरीद।